देखलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से ही सातवें चरण से संबंधित है। जे न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 11 जून 2022 का पटना का संस्करण, और ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे देखने को आपको मिल जाएगा। हेडिंग बनाया गया सातवें चरण की नियुक्ति की बारी शुरू हुई तैयारी, बहुत ही बेहतरीन हेडिंग बनाया गया, और ये खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही बताते चले कि ये केवल प्राथमिक से संबंधित है और मध्य से यानी 1-8 से ये संबंधित है। राज्य में सातवें चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षकों की रिक्तियां सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा ली है। रिक्तियों में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में खाली रह गए पद भी शामिल है। रिक्त पदों के गणना की समीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा 12 जून को की जाएगी। कितने जून को? 12 जून को, यानी आज हो गया 11, कल समीक्षा भी की जाएगी। रिक्तियों का ब्यौरा ईमेल से भेजने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और स्थापना को दिए गए। इसमें खास बात यह है कि ईमेल से रिक्तियों का ब्यौरा भेजने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और स्थापना को समय भी शुक्रवार तक के ही दिए गए, जिसकी मियाद पूरी हो गई है। हालांकि इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को 26 मई को भी निर्देश दिए गए थे। उसमें अगले नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ करने के पूर्व जहां नियोजन की प्रक्रिया वर्तमान चरण में पूरी हुई हो, वहां 30 जून 2022 तक रिक्त पदों की गणना 31 मई 2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार एवं नियोजन इकाईवार करने के संबंध में निर्देश दिया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा 12 जून को ही जाने वाले प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना की समीक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश। अब चलेंगे हम पेज नंबर 9 पे कि क्या कुछ लिखा गया है। हमने पढ़ा था रवि प्रकाश द्वारा शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और स्थापना के से लिए गए ब्यौरे में वर्ष 2019-20 में प्रकाशित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के उपरांत रिक्त रह गए पदों का विवरण 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त त्यागपत्र एवं सेवा मुक्ति के कारण रिक्ति तथा छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक पद की आवश्यकता के विद्यालयवार एवं नियोजन इकाईवार पदों का समेकित विवरणी शामिल है। आपको याद दिला दूं कि छठे चरण की नियुक्ति में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पद थे। इन पदों के विरुद्ध तकरीबन 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई। इसके साथ ही तकरीबन 48,000 पद खाली रह गए। ये 48,000 खाली रह गए पद अब सातवें चरण की बहाली में शामिल होंगे। इसके साथ ही सातवें चरण के लिए तकरीबन 30,000 रिक्तियां संभावित है। इससे माना जा रहा है कि सातवें चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में तकरीबन 80,000 पद रहेंगे। टोटल कितने पद रहेंगे? 80,000 टोटल पद रहने की संभावना है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। 80,000 पद वैसे बहुत ख़राब भी नहीं है, 80,000 रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थियों का होगा। अब इसमें एक और रूल, महिला वाला जो रूल है वो हो जाएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा, तो इसके लिए भी देखिए क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल ये गुड न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 1-8 शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।